हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच करके उसको रखिए ऑल पे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल GSTicks। तो चलते हैं अभी हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारे इंडिया में जो PUBG मोबाइल गेम है वो हो चुकी है बैन। तो इसका मतलब हमें अभी एक और दूसरी गेम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, जो कि है एक तो है फ्री फायर और दूसरा है हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी। तो देखते हैं कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो क्या है कि जिस तरह से पबजी बड़ी गेम थी, यानी कि 1.5 GB की पबजी थी, वैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी भी 1.5 GB के आसपास ही रहती है। तो बस इसी एप्लीकेशन को हमें किस तरह से इंस्टॉल करना है बिना ज़्यादा डाटा गवाए, तो बस यही देखना है। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जो एप्लीकेशन है इसको अगर चाइना वाली बोल रहे हैं, कि मतलब ये ऐप है जो चाइना वाली है ऐसे आप समझ रहे होंगे, तो ये सरासर गलत है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखिए डेवलपर कॉन्टैक्ट, और देखिए यहाँ पर ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस पूरा का पूरा है कैलिफोर्निया का। तो यानी कि ये जो गेम है ये चाइना बेस नहीं है। तो इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको कैसे करते हैं इंस्टॉलर, कैसे करते हैं इसको कम डेटा में यूज़, बस यही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो जैसे आप गेम को इंस्टॉल करोगे आपको मांगी जाएगी स्टोरेज परमिशन। तो इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन मैनेजर होता है उसमें जाना पड़ेगा। उसमें जाने के बाद आपको जो कॉल ऑफ ड्यूटी ऐप जो गेम है उसकी जो परमिशंस है वो देनी पड़ेगी, मतलब अलाउ करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी होती है, तो एक तो होता है माइक्रोफोन और दूसरा होता है स्टोरेज परमिशन। तो देखिए यहाँ पर अभी, तो ये देखिए अभी पीछे यहाँ पर जो ऐप परमिशंस होते हैं वहाँ पर माइक्रोफोन और जो स्टोरेज, इन्हीं दोनों परमिशंस को आपको अलाउ करना है। और जैसे आप इसको अलाउ करोगे आपको जाना है आपके होम स्क्रीन पे। और जैसे ही आप आपके होम स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए अभी कि जैसे आप यहाँ पर जो ये गेम है, ये गेम को पहले इंटरनेट चालू करना पड़ेगा और जो फाइल मैनेजर है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे आप फाइल मैनेजर ओपन करोगे, आपने जो फाइल ली थी शेयर इट या फिर शेयर मी, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन से जो फाइल ली थी वहाँ से फाइल एक तो कॉपी कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है मूव कर सकते हैं। तो वो जो फाइल है तो वेस्ट फाइल अभी ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो देखिए अभी यहाँ पर एक फोल्डर होगा शेयर मी का, यहाँ पर देखिए मेरे पास जो मेन .55 जैसी कोई फाइल है इसको मैं अभी कॉपी करता हूँ और सीधा एंड्रॉयड फोल्डर में OBB यहाँ पर एक मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा com.activision.callofduty.shooter। तो बस यही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, और सीधा ओके दबाना है। जैसे ही आप इसको ओके दबाएंगे आपका फोल्डर तैयार हो जाएगा। बस उसी फोल्डर में आपको फाइल पेस्ट करनी है और जाना है अपनी गेम ओपन करने। तो होम स्क्रीन पे जाने के बाद देखते हैं कि हमें अपनी गेम कैसे ओपन करनी है। तो जैसे गेम ओपन करेंगे हमें दिखाई देता है एक्टिविजन का लोगो और लोडिंग शुरू हो जाती है। मगर ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर एक जो फाइल होती है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, जो कि फाइल होगी ज़्यादा नहीं होगी, बस 300 MB तक ही होगी। 1.5 GB से अच्छा 300 MB होता है। तो देखिए यहाँ पर 76 MB का एक डाउनलोड है। तो अभी हम इसको कन्फर्म कर देते हैं और डाउनलोड कर देते हैं। तो मेरे पास अभी मोबाइल नेटवर्क है तो मैं यही से इसको डाउनलोड कर दूंगा और जो वीडियो है वो थोड़ी स्किप कर दूंगा। तो देखिए अभी 178 तक हो गया है। तो जैसे अभी ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा हम देखते हैं कि आगे कौन सी डिटेल आती है। तो देखिए अभी हो रहा है और हो गया। तो देखते अभी क्या आ गया। तो देखिए यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन से इसको करते हैं एक्सेप्ट और लॉग इन करते हैं फेसबुक से। तो भी ये मेरा एक फ्रेंड है जिसका मैं अभी अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट नहीं है, नहीं तो जाके फेसबुक पे देख लोगे। तो ये मेरे फ्रेंड का नेम है तो बस इसको भी करता हूँ मैं ओके। और जैसे ओके करेंगे यहाँ पर देख रहा है कि ऑलरेडी टेकन नेम है, तो मैं दूसरा नाम एंटर करके यहाँ पर गेम स्किप करके आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैं अभी नाम एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो फेवरेट फायर मोड है वो दिखाई दे रहा है, तो एडवांस है और सिंपल। तो इस तरह से मैंने एडवांस को सिलेक्ट किया और ये अभी स्नाइपर ट्रेनिंग में कर रहा हूँ। तो स्नाइपर ट्रेनिंग तो अच्छी है और ग्राफिक्स भी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर जो डिटेल्स है वो अच्छी दिख रही है मेरे को। और ये जो नया फीचर लगता है मेरे को ये, तो कॉल ऑफ ड्यूटी वैसे अच्छी गेम है, यहाँ पर ग्राफिक्स अच्छी तरह से यहाँ पर कंबाइन कर रखे हैं और इंट्रो भी अच्छा है। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो हमें पबजी में मिलता था बस वही है, मगर कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जो ज़्यादा फास्ट ओपन नहीं होती, तो बस यही दिक्कत है। तो
यहाँ पर देखिए कि जो यूज़र इंटरफेस है वो भी अच्छा है, और ये देखिए मेरा भी गेम प्ले, और इस गेम प्ले को देख के आप समझ सकते हो कि इस गेम की ग्राफिक्स किस तरह है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी आपके दोस्तों को पता चलेगा कि मैं आपकी इस तरह से मदद करता हूँ। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर।